सीरियल नंबर गिवन है और इक्वेशन गिवन है, वैल्यू गिवन है, और हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन गिवन वैल्यू से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो गिवन वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल आ जाए तो कहते हैं ये सेटिस्फाइड और उसका आंसर आ जाएगा यस, अदरवाइज नो। तो इसमें हम रखते हैं एक्स की जगह हम थ्री पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा थ्री प्लस थ्री, ये कितना आ जाएगा सिक्स। तो सिक्स क्या जीरो के इक्वल है? सिक्स इसको कह देंगे नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इसका आंसर आ जाएगा नो। उसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रख रखी है? जीरो, जीरो रखनी है हमने, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? जीरो, तो आ जाएगा जीरो प्लस थ्री, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं वही नंबर आता है, तो यह आ जाएगा थ्री। क्या थ्री जीरो के इक्वल है? यह आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों इक्वेशन दोनों जो साइड है इक्वल नहीं आई, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में एक्स की जगह कितना रखेंगे? माइनस थ्री। तो एक्स की जगह अगर हम माइनस थ्री रखते हैं तो माइनस थ्री प्लस थ्री, उतने ही माइनस के उतने ही प्लस के, तो क्या आ गया? जीरो। तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट साइड जीरो के किसके इक्वल आ गई? जीरो के, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई है और आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, एक्स की जगह क्या पुट करना हमने? सेवन, तो ये एक आ जाएगा सेवन, सेवन माइनस सेवन, तो सेवन माइनस सेवन क्या हो गया? जीरो। क्या जीरो वन के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वन, तो ये सेटिस्फाई नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अब पार्ट फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट में क्या है? एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एट। तो जहां भी एक्स है वहां कितना पुट कर दें हम? एट। तो इस एक्स की जगह हम एट पुट कर रहे हैं, क्या जाएगा? एट माइनस सेवन दैट इज वन। अब लेफ्ट साइड कितनी आ गई हमारी? वन। ये किसके इक्वल है? राइट के इक्वल है, तो इसमें आंसर आ जाएगा यस आ जाएगा। लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई? राइट के, इसलिए इसका आंसर आएगा वन। नेक्स्ट है फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, और एक्स की जगह क्या रखना हमें? जीरो। तो फाइव एक्स का मतलब है फाइव इज मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें? जीरो से, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? जीरो। तो किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? जीरो। जीरो ट्वेंटी फाइव के इक्वल है? नहीं है, जीरो नहीं इक्वल है किसके? ट्वेंटी फाइव के, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट है फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, और एक्स की जगह कितना है? फाइव। तो फाइव एक्स का मतलब क्या है? फाइव इज मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स की जगह हम क्या रख दें? फाइव रख दें, तो यह जगह फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, फाइव फाइव जगह कितना हो जाएगा? ट्वेंटी फाइव। लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी? ट्वेंटी फाइव, तो राइट भी कितनी है? ट्वेंटी फाइव, दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, तो इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और आंसर आ गया हमारा यस। 5x is equal to 25, और x की जगह रखना है हमें माइनस फाइव, तो 5 को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 25। तो क्या माइनस के 25 और प्लस के 25 इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है 25 के, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ये आपने एट्थ पार्ट कंप्लीट हो गई। पार्ट नाइन्थ, नाइन्थ में क्या है? m बाई थ्री इज इक्वल टू टू, और m की जगह कितना पुट करना है हमने? माइनस का सिक्स। तो इसमें लेफ्ट साइड में m की जगह कितना पुट करें हम? माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स अपॉन थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ये कितना आ गया? माइनस टू। तो क्या माइनस टू टू के इक्वल है? नहीं, ये माइनस का नंबर है, किसका है? प्लस का, ये नॉट इक्वल टू टू, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अब टेंथ पार्ट क्या है? m बाई थ्री इज इक्वल टू टू, और m की जगह कितना पुट करें? जीरो। तो m की जगह जीरो पुट किया, तो जीरो अपॉन थ्री, तो किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करते हैं, जीरो को अगर किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो। क्या जीरो इसके इक्वल है टू के? नहीं, नॉट इक्वल टू टू, तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों साइड इक्वल नहीं आएगी, तो आंसर आ गया नो। लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का इलेवंथ, m बाई थ्री इज इक्वल टू टू, और m की जगह कितना पुट करना हमने? सिक्स। तो m की जगह सिक्स पुट करते हैं, सिक्स अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा? थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो टू। लेफ्ट साइड कितनी आ गई अपनी?
टू, राइट भी कितनी है टू, तो टू किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी और आंसर आ गया यस। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।